देशभर में मानसून सीजन चल रहा है। तेज बारिश से जानमाल का नुकसान हो रहा है। बारिश की वजह से महंगाई भी बढ़ गई है, क्योंकि बरसात की वजह से खेतों में लगी टमाटर और गोभी की फसल प्रभावित हो रहा है, जिस वजह से सभी सब्जियों के रेट बढ़े हैं, लेकिन टमाटर और गोभी की सप्लाई कम हो रही है। ये कारण है कि सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कश्मीर, पंजाब, महाराष्ट्र और उत्तराखंड जैसे राज्यों में भारी बारिश से फसलों और सब्जियों का नुकसान हुआ है। खेत में ही सब्जियां सड़ रही हैं। इसके चलते ट्राइसिटी की मंडियों में सब्जियों की आवक कम हुई है। मंडियों में सप्लाई कम होने से सब्जियों की कीमत एक हफ्ते में कई गुना बढ़ गई है। टमाटर एक बार फिर लाल हो गया है। चंडीगढ़, पंचकूला व मोहाली में टाटामर की कीमत 80 रुपये प्रति किलो तक पहुँच गई है। बारिश का मौसम आते ही सब्जियों के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। इस समय कोई भी हरी सब्जी के दाम 50 रुपये के कम नहीं है। जहां टमाटर 80 रुपये किलो हो चुका है, तो आलू 40 रुपये किलो बिक रहा है। टमाटर महंगा होने से रसोई का जायका भी बिगड़ गया है, क्योंकि जहां लोग पहले सस्ता टमाटर एक साथ 2 से 3 किलो खरीद लेते थे, अब लोगों ने आधा से 1 किलो टमाटर में ही काम चलाना शुरू कर दिया है। 80 रुपये किलो में बिकने वाली गोभी के दाम 3 गुना बढ़कर अब 120 रुपये किलो पहुंच गए हैं। वहीं 10 दिन पहले 80 रुपये के बीच बिकने वाली गोभी अब 120 रुपये किलो बिक रही है। दुकानदारों का कहना है कि बारिश के कारण सब्जी के दाम बढ़े हैं। जैसे जैसे बारिश का मौसम कम होगा, वैसे वैसे ही सब्जी के दामों में गिरावट आएगी। सब्जी मंडी के दुकानदार ने बताया कि बारिश के मौसम में सब्जियां सड़ जाती हैं। इसके साथ ही सब्जी की आवक कम हो गई है। इसकी वजह से एकदम से दामों में तेजी आ गई है। भाव जी, जिस तरह से टमाटर महंगा हो गया, 80 से 100 रुपये तक बिक रहा है, कितना एक जीवन पर? हाँ जी, हाँ जी, बहुत फर्क पड़ता है सर। देखो, गरीब आदमी के लिए तो मुश्किल है। हाँ जी, बाकी फसल के ऊपर है, मौसम बर्बाद है, एटमोसफेयर ऐसे ही हो गया सर, वो चक्कर है। क्या रेट लिया आप? तो अभी 80 रुपये लिया अभी मैंने। हाँ जी, क्या करें, 100 का कर दूँ? 100 का कर दूँ सर। टमाटर इतना महंगा क्यों? टमाटर की बहुत ही फसल कम है इस टाइम। नासिक वाला टमाटर भी जो है 16-17 सौ रुपये यहाँ खुलता है आके, वो भी टमाटर वहाँ से भी 60-70 रुपये खरीद पड़ रही है। नासिक के कारण जो बाहर वाला टमाटर है नहीं, कोई पहाड़ी टमाटर कम है, इस करके महंगा है। क्या रेट? 80 रुपये, 80 रुपये किलो, 80-100 है जी इसका रेट टमाटर का। यहाँ पे बढ़िया टमाटर है, 100 रुपये किलो है जी, थोड़ा कच्चा पक्का है, 80 रुपये किलो। आने वाले दिनों में किस तरह से? आने वाले दिनों में दिवाली के बाद ही सस्ता हो सकता है जी, इस टाइम कोई सब्जी सस्ती नहीं होगी। गोभी ले रहे हो? जी, जो गोभी है इतनी महंगी क्यों है? पीछे जो बारिश हुई इसके वजह से गोभी महंगी हुई है, जिम्मेदार की फसलें खराब हो चुकी हैं। क्या रेट बिक रही है गोभी? 100 रुपये, 120 भी बिक रही है, 100 भी बिक रही है, 80 भी बिक रही है। कब तक सस्ती होने की उम्मीद है? मान के चलो कि दीपावली से पहले नहीं होती, जब तक दिवाली जलेगी नहीं तब तक बात बनेगी नहीं। सर, टमाटर इतना महंगा क्यों बिक रहा है? सर, जैसा है ना कि मौसम का फर्क पड़ गया, मौसम से टमाटर लोकल नहीं आ रहा है, बाहर के टमाटर आ रहा है। अगर मौसम सही होने लगेगा फिर अगर लोकल आएगा तभी सस्ता होगा, फिलहाल तो भी महंगा ही चलेगा। टमाटर इस वक्त 80 से 100 रुपये बिक रहा है जी। और हाँ, क्रेट यहाँ बिक रहा है जी, 1800-1900 का क्रेट बिक रहा है, 1600-1800 का क्रेट बिक रहा है, तो 100 रुपये तो बिकेगा ही बिकेगा, क्योंकि बीच में हल्का फुल्का भी निकलता है तो जो छाट के बेचता है उसका तो किराया लगता ही है, इसीलिए बिक रहा है 80 रुपये 100 रुपये बिक रहा है टमाटर। ये टमाटर जो है 80 से 100 रुपये तक बिक रहा है गली पर, ये बारिश के कारण महंगा क्यों है? बारिश के कारण महंगा है, बारिश से टमाटर गल गया था ना, इसीलिए बारिश की वजह से महंगा है, तो इतना महंगा बिक रहा है। हाँ, महंगा बिक रहा है, पीछे माल कम हो गया। तो अब कब तक सस्ता होने की? अभी कोई छिक रही है भाजी।
कोई ठीक नहीं है, कब तक सस्ता होगा कोई ठीक नहीं है। इस वक्त क्रेट क्या रेट बिक रहा है? क्रेट जैसा टमाटर वैसा 1200 1300 1400 जैसा टमाटर वैसा रेट है, मतलब महंगा बिक रहा है। जी महंगा सर, अभी गोभी इतनी महंगी क्यों है? 100 रुपए किलो। भाजी गोभी का सीजन नहीं है इस टाइम पे, इस कारण गोभी महंगी है और बरसात के कारण गोभी फसल खराब होगी, एक ही कारण है।